फ्रेंड्स, देखिए सर्दी का मौसम है और हम लोग चाय, दूध इन सब में मसाला डालना पसंद करते हैं। चाय मसाला मार्केट में बहुत तरह का मिलता है, लेकिन आज मैं घर में हम चाय का मसाला कैसे बना सकते हैं वो आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहूंगी। चाय मसाला बनाने के लिए हमें लौंग, इलायची, दालचीनी, सौंठ जो कि सूखी अदरक होती है, और काली मिर्च, इन सब चीजों की जरूरत होती है। साथ ही थोड़ी केसर भी हम डाल सकते हैं। तो वैसे तो जिसको जो चीज जितनी ज्यादा अच्छी कम ज्यादा लगे वो अपने हिसाब से इसमें रेशो कर सकता है, लेकिन यदि हम, आप प्लीज नोट कीजिए, यदि हम 2 चम्मच या 2 टेबलस्पून दालचीनी, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून लौंग, 2 टेबलस्पून सौंठ पाउडर सूखी अदरक का पाउडर और 3 या 4 टेबलस्पून छोटी इलायची और इन सब में 1/2 ग्राम के लगभग केसर पीस के आप साथ पाउडर बना के रख लीजिए। ये जो हमारा चाय मसाला बनेगा ये मार्केट के किसी भी चाय मसाले से बहुत ज्यादा अच्छा बनेगा। अब जो लोग अदरक बहुत पसंद करते हैं वो इसमें सौंठ थोड़ी ज्यादा डाल सकते हैं, जो लोग सोचते हैं कि नहीं थोड़ी काली मिर्ची ज्यादा होनी चाहिए वो काली मिर्ची ज्यादा डाल सकते हैं। तो किसी भी चीज का टेस्ट आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स ये जो मैंने बताए हैं इसके हिसाब से आप चाय मसाला बनाइए, आपकी चाय बहुत ज्यादा पसंद आएगी। थैंक यू।